राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा और फिर परिणामों ने तो सबको चौंका ही दिया, जिसका एक प्रमुख कारण यहाँ की कुछ हॉट सीटें भी रही। हॉट सीटों में शुमार जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट और बाड़मेर जैसलमेर सीट, जिन पर प्रत्याशी रहे युवा नेता अनिल चोपड़ा और रविंद्र सिंह भाटी के चर्चे इनकी हार के बाद भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 31 वर्षीय राजकुमार रोत ने बड़ी जीत के साथ खलबली मचा दी है। राजस्थान में लोकसभा सीटों के परिणाम चौंकाने वाले रहे। 6 महीने पहले सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की, वहीं बीजेपी को राजस्थान में बड़ा झटका लगा। ऐसा ही झटका प्रदेश के दक्षिण हिस्से की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भी लगा, जहां कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले महेंद्रजीत मालवीय से पार्टी को बड़ी आस थी, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने उन्हें 2,47,054 वोटों से हराया। जहां रोत को 8 लाख से ज्यादा वोट मिले, वहीं मालवीय को 5,73,777 वोट मिले। और अब जीत के बाद इस युवा नेता की चर्चा हर तरफ हो रही है। वही बात करें राजस्थान की हॉट सीट जयपुर ग्रामीण की, तो इस सीट पर जीत का अंतर सबसे कम रहा। भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह ने केवल 1615 मतों से जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा मामूली अंतर से चुनाव हार गए। 5 साल तक जयपुर ग्रामीण में सक्रिय रहने के बाद चोपड़ा को कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ने का मौका मिला। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 8 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में चोपड़ा ने भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह से ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन झोटवाड़ा और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में वे मात खा गए। फुलेरा में केवल 3,701 वोट का अंतर रहा, लेकिन झोटवाड़ा में वे 80,744 वोटों से पिछड़ गए। पोस्टल बैलेट में भी अनिल चोपड़ा भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह से काफी आगे रहे, लेकिन जीत नसीब नहीं हो सकी। चुनाव परिणाम के आंकड़ों पर नजर डालें तो अनिल चोपड़ा की हार की सबसे बड़ी वजह झोटवाड़ा बना। यहां बीजेपी के पक्ष में बम्पर वोटिंग ही अनिल चोपड़ा पर भारी पड़ी। राजस्थान की हॉट लोकसभा सीट में शामिल बाड़मेर जैसलमेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को करारी हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी के चुनावी रण में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी। चुनाव नतीजों में कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर खिसक गए। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के चर्चित होने का कारण रविंद्र सिंह भाटी थे। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी विरोधियों की सांसें अटका दी थी। रविंद्र सिंह भाटी रैलियों में जबरदस्त भीड़ बटोर रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल 7,40,676 मत प्राप्त कर पहले नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर आए निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को 5,86,500 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी और मोदी सरकार में मंत्री कैलाश चौधरी को 2,86,733 मतों से संतोष करना पड़ा, लेकिन अब चुनाव हारने के बाद भी भाटी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं।